हम मौजूद हैं नगर निगम के पार्षद कक्ष में और हमारे बगल में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार पार्षद विपुल लाला साहब। ये वो लाला हैं जब समाजवादी पार्टी की नगर निगम में सत्ता हुआ करती थी, उसके महापौर हुआ करते थे डॉक्टर आईएस तोमर, तब सर्वाधिक मुद्दे आपके द्वारा उठाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी गंभीर से गंभीर विषय उठाए गए उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान रहता था। सत्ता बदली, भारतीय जनता पार्टी के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी नगर निगम में विराजमान हो गए महापौर की कुर्सी पर। लेकिन आइए जानते हैं विपुल लाला जी से तस्वीर कितनी बदली है, उनकी उम्मीदों पर ये नई व्यवस्था कितनी खरी उतर रही है। नगर आयुक्त के खिलाफ आपने कड़ा पत्र अभी लिखा है, आखिर वो परिस्थितियाँ वो वजह क्या थी जिनकी वजह से आपको मजबूर होकर कड़ा पत्र लिखना पड़ा। आइए बात करते हैं विपुल लाला जी से। काउ काउ न्यूज़ में आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने विपुल लाला जी का। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं सर, आप कौन से वार्ड में जीत के आए थे और क्या क्या दिक्कतें हैं और नया बोर्ड गठित होने के बाद क्या आपकी उम्मीदों के अनुरूप नगर निगम की मशीनरी काम कर रही है? विपुल जी, मैं बहुत ही दयनीय स्थिति के वार्ड का पार्षद हूँ जिसका नाम है वार्ड 58 गुलाब नगर। जब हम विपक्ष में थे तब हम शायद ज्यादा अच्छे थे, अब आकर ऐसा महसूस होने लगा। पूर्व में भी माननीय महापौर आईएस तोमर जिस प्रकार से हटदंता करते हुए नगर निगम को चलाना चाहते थे, हमने उनका परस्पर विरोध किया और अपने वार्ड में विकास कार्य कराने में सक्षम भी रहे। आज हमारी सत्ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी सरकार है। हम बहुत खुश हुए थे जब हमारी केंद्र में सरकार आई, जब हमारी प्रदेश में सरकार आई, और हम अत्यधिक खुश हुए जब हमारे अपने ही परिसीमन क्षेत्र नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परंतु कुछ ही दिन बाद जिन सपनों को हमारे पंख लगना चाहिए थे उन सपनों को पंख ना लग के उन पंखों को तितर बितर करने का काम हमारे माननीय महापौर उमेश गौतम जी बा माननीय नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव जी द्वारा जारी कर दिया। जिन जिन समस्याओं को समय से रहते उठाया गया, हमने सदन में वार्ड में पत्रकार व्यवस्था खराब होने की बात कही तो सदन में कहा गया कि शहर दूधिया रोशनी से नहा रहा है, वास्तविकता क्या है आज और इसी समय जाकर देखा जा सकता है। सड़कों की हालत खराब है, जहां सड़कें नहीं बननी थी उन सड़कों को बना दिया गया, जहां रिपेयरिंग करके काम चल सकता था उन पर पर्दे डालकर सड़क निर्माण का कार्य कर दिया गया, और जहां पर आज गड्ढों में सड़क हो गई है उनकी ओर हमारे दोनों जिम्मेदार, चाहे वो माननीय महापौर हो चाहे नगर आयोग, कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब तक वार्डो में 10-10 कामों की प्राथमिकता के अनुरूप काम मांगे गए थे। मेरी समझ से तो शायद ही किसी पार्षद के बताए गए प्राथमिकी कार्यों में कार्य हुए हों तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। पार्षद केवल और केवल इस सत्ता और अपनी सत्ता के चक्कर में विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये आज समस्त पार्षदों के हृदय में विराजमान है जो किसी भी समय ज्वालामुखी बनकर फूट सकती है। पौधारोपण का कार्यक्रम आया, पौधे कहाँ लगे
निरंतर मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए कार्यों की अवहेलना की जा रही है। कूड़ा निस्तारण का कोई प्रबंध नहीं, कूड़ा उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, केवल और केवल धन अर्जन का कार्य किया जा रहा है और नगर निगम के बजट को चूना लगाया जा रहा है। पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को जो पत्र दिया है और उसमें कहा है कि वो आप मुख्यमंत्री के सामने धरना देंगे, आखिर ऐसा फैसला आपने लिया, वो लिखित में दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने धरना देने की जरूरत पड़ गई? देखिए, ये संदर्भ मैंने इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ कुछ धरने का स्वरूप नाटक का स्वरूप बना दिया गया है। धरना देकर लोग अपने कार्य सिद्ध कराने में लगे हुए हैं और ये सब महापौर और नगर आयुक्त की मिली जुली चाल है कि इस प्रकार से धरना की, जिससे कि हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी हो, हम भी कुछ मतलब जो है वो दिखाई दें कि हम सब लोगों ने धरना दिया और हमने लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम किया। धरना देने की जब बात आती है तो धरना हम इन छोटे जो है उनके सामने क्यों देंगे? हमारी सरकार है देश में, प्रदेश में, अगर हमें धरना देना ही होगा व्यवस्थाओं के खिलाफ तो हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष धरना देंगे, ऐसी मंशा हमने अपने पत्र के द्वारा व्यक्त की है। लाला जी, एक सवाल नितांत व्यक्तिगत सा भी है, पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तो आपके गले में गेरुआ कलर का टर्बन रहता था, अंगवस्त्र रहता था, अब क्या वजह है कि एकदम अचानक आपके गले में वो गेरुआ वस्त्र नहीं है? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है कि गेरुआ अंगवस्त्र का, तो मैं आज भी पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता हूँ, परंतु जनता के ऐसे सवाल मुझे रात और दिन चुभते हैं। जनता समय समय पर निकलते बढ़ते पूछती है कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आपके निगम में सरकार है, तो आपके वार्ड में इतनी दुर्दशा, इतनी अव्यवस्था क्यों? जिससे कुछ मन में ऐसा विचार आया कि लोगों में अगर मेरे प्रति अगर कोई वो है तो मैं उन भावों को बदलते हुए, अपनी बात को विराम लगाते हुए, अपने धर्म और अपने संप्रदाय की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इस कारण लोगों की बेइज्जती सुनने से बचने के लिए मैंने इस अंगवस्त्र का त्याग करने का विचार मन में लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये विचार हमेशा के लिए हो, ये जब व्यवस्थाएं जैसे जैसे बदलेंगी वैसे वैसे ये रूप भी बदला जा सकता है। इसी कड़ी में एक बरेली में छोटा योगी हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना रूप बदल दिया है, जो आज उस योगी वस्त्र धारण करने से बचते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपना रूप बदल दिया है। देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी बरेली के पार्षद विपुल लाला साहब, और आपने बड़े खुले तौर से पार्षद कक्ष में बैठ के अपनी ही पार्टी के महापौर, अपनी ही सरकार के नगर आयुक्त के खिलाफ सीधा हमला बोला, सीधी बात कही है, और यहाँ तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री के सामने वह धरना देंगे। उनके वार्ड की निरंतर उपेक्षा हो रही है, जो उम्मीद और जिस उम्मीद के साथ सत्ता में आए थे, शायद उनकी उम्मीदों पर पार्टी की सरकार कसौटी, उनकी कसौटी में खरी नहीं उतर रही नगर निगम की मशीनरी। बहुत सारी बातें कही हैं आपने इस खास मुलाकात कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।